बाबा का पन्नी ले लिया और दे नहीं रहा है क्या। इसको ना इसकी मम्मी की याद आ रही है, कल ये अपनी मम्मी से दूर हो गया था, इसे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग, और सुबह सुबह हम नाश्ता कर चुके हैं और मेरा बेटू का भी पेट भरा है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो जो हमारा डॉगी था कल का आप देखे थे, वो आज घर में है नहीं अभी, क्योंकि उसे पापा ले गए हैं दरवाजे पे, तो उसे देना है। सुबह सुबह नाश्ता वो भी किया था, बिस्किट खाया था, लेकिन अब जाते हैं उसको खाना खिलाने के लिए। मैं और मेरे साथ कल्पू हमारी, तो सोचे बाबू को भी लेके जाते हैं। तो चलिए आप लोग को भी दिखाएंगे, उसे मिलवाएंगे, घर में रहता तो दिखाते, इसी बहाने हम भी थोड़ा सा घूम लेंगे। ये देखिए हम आ रहे हैं और यहाँ नाला का काम भी चल रहा है, यहाँ पे बन रहा है अभी। और बाबू तो हमारा गोदी में सो चुका है, इसको लेकर के ही हम आ गए हैं, बाहर में बहुत धूप है। ये देखिए ये अभी सोया हुआ था, जैसे ही लेकर के आए ये तो खाने लगा। अरे मेरे बच्चा, खाने देते हैं आराम से, फिर आप लोग को मिलवाएंगे। मैं आपको इस रूम में लेके आते हैं और यहाँ पे देखिए मेरा प्रतीक बाबू एकदम आराम से सोया हुआ है। और क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये देख रहा है यहाँ पे टीवी। क्या आज मतलब स्कूल नहीं है, छुट्टी है तो बस टीवी देखना हो रहा है। कैसा लग रहा है छुट्टी के दिन तुम्हें? ये देखिए बाबू अभी गहरे नींद में चला गया, तो थोड़ा देर हम इसे यहीं पे सुला देते हैं, तब तक डॉगी से भी मिल लेंगे अच्छे से, फिर तो मैं चली जाऊंगी आंगन। ये हमारी कल्पू आई थी, इसे खिलाने के लिए बैठ के देखने लगी टीवी। खा लिया ये, कैसा लग रहा है खा करके? इधर देखो, इधर देखो, तुम्हें कौन सब देख रहा है? हाँ ले 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 ले, बच्चा बच्चा क्या हुआ, ये छोटू सा है। मिलिए इससे, और इसका पेट भर चुका है अभी। अरे कैसे कर रहा है तुम? ये खुद से खोल लिया इसे और अभी सो रहा है, इसको नींद आ रही है। इसको पेट भर गया तो अब इसको सोना है। इसे बांध के नहीं रखते, लेकिन ये अभी कल आया ही है, तो इसे ना अभी एक दो दिन टाइम लगेगा सबको पहचानने में और सीखने में, तो भाग जाता है अभी इधर से उधर, इसीलिए इसको बांध के रखते हैं। जैसे ही हम लोग को पहचान जाएगा दो तीन दिन, फिर हम इसे खोल करके ही रखेंगे, और दो तीन दिन बाद ये बहुत कुछ सीख भी जाएगा। अभी नया है, इसे नया जगह लग रहा है, तो ये भागने की कोशिश करता है और सबके ऊपर दौड़ता है, इसीलिए कितना क्यूट है ये, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये। सो गया तुम? उठ गया, इसकी नींद बहुत पतली होती है, मतलब सो करके उठ भी जाता है तुरंत में ये। देखो तुमसे कौन सा मिलने के लिए तैयार है, देखो जरा देखो। इसको ना इसकी मम्मी की याद आ रही है, कल ये अपनी मम्मी से दूर हो गया था, इसे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है, इसीलिए ये ना एकदम रूठा रूठा सा लग रहा है, उदास है। देखिए ये दोनों तो मूवी देख ही रहे थे, साथ में बाबू को भी मूवी देखने में लगा दिया। क्या सुनना, देखो तुमको भी मूवी देखने में लगा दी फुआ? हाँ हाँ, उठ गया, ओहो उठ गया, इसको बहुत मजा आ रहा है मूवी देखने में, इसको भी फुआ इनकी इसको भी लगा दी है। तो थोड़ी देर मैं भी बैठ जाती हूँ, उसके बाद चलते हैं अपने रूम। टाइम काफ़ी हो गया, बाहर में धूप भी निकल गई है, तो और बाबू भी जग गया है और अभी खेल भी रहा है बहुत अच्छा से, और ये भी खुश है। तभी हम इसे ले जा करके पहले नहला देते हैं, क्योंकि धूप है, फिर धूप चली जाएगी तो ठंड लगेगा बाबू को, और आज संडे भी है। चलो बाबू, अभी बाबू को नहाना है, दादी माँ इनकी नहलाएगी, चलते हैं नहलाने के लिए बाबू को लेकर के। चलिए कल्पू को मैं नहला दी और नहला के रेडी कर चुकी हूँ, और इसे अब नींद आ रही है, तो थोड़ी देर मैं इसको गोद में रखती हूँ, ये अच्छे से सो जाएगा, फिर मैं इसे सुला दूँगी, फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन बाबू को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हैं, बाबू को सुला देते हैं, फिर यहाँ कल्पना बैठेगी, तब तक मैं नहा के आ जाऊँगी। और देखिए सोना को कैसे अपने दोनों हाथ को एक साथ रख के सोया हुआ है लाडला। मेरे बाबू को गोद में बहुत अच्छा लगता है, इसे गोद में ही नींद आता है। तो नहलाने के बाद मैं इसे अच्छे से तेल सब लगा दी, और फिर थोड़ी देर इसे गोद में रखते हैं और गहरे नींद में चला जाएगा। तो अभी अभी आ चुकी हूँ मैं भी नहा करके और रेडी हो चुकी हूँ। अभी टाइम कितना हो गया, तो टाइम तो काफ़ी लेट हो गया है, और मैं अब पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि बाबू मेरा देख सकते हैं सो रहा है, और बेड के पास ही मेरा बुक है, क्योंकि कभी कभी मैं रात को ही पढ़ लेती हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं बैठ करके पढ़ाई करूँगी, वैसे तो कभी कभी लगते रहता है कि बच्चे के साथ मैं पढ़ नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने बेड पे, और अभी जब तक बाबू नहीं उठता तब तक पढ़ाई कर लेती हूँ। तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बच्चे के साथ पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ,
क्योंकि दोनों काम सही से नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर लगता है कि बहुत सालों बाद बिहार में वैकेंसी आई है, और फिर कब आएगी मुझे नहीं पता है। और जो इतनी मेहनत है, सीटेट भी इतना मेहनत से पास किए, तो फिर सारा मेहनत मेरा बेकार चला जाएगा। और पहले ऐसा नहीं था, जैसे कि आप लोग को पता होगा जो बिहार से होंगे, कि अब बिहार में गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए BPSC का एग्ज़ाम पास होना पड़ेगा, और मेरी ग्रेजुएशन 3rd ईयर का एग्ज़ाम सो भी स्टार्ट है इसी 15 से, तो उसका भी तैयारी करना पड़ता है। तो जब तक बाबू सो रहा है तब तक थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करती हूँ मैं। अभी तो पहले जैसा अब नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना देर हो सकेगा, दिन में 1 घंटा, फिर कभी बाबू सो जाएगा तो फिर आधा घंटा 1 घंटा, ऐसे करके अब पढ़ाई चलेगी। पहले तो लगातार 3 घंटा 4 घंटा भी मैं पढ़ लेती थी। ओह देखिए, प्रतीक बाबू डॉगी को लेकर के आ गया आंगन। इसको इसको तो ला दिया, और ये क्या कर रहा है, ब्रश खा रहा है। पुराना वाला घर में इसको पता नहीं कहाँ से ब्रश मिल गया, ये अपना खाने पे लगा है। इसको ये बच्चे की तरह भी खेल रहा है। ये छोटा सा बाबू है, ये जैसे ये बाबू है वैसे ये भी है, और ये बच्चे की तरह खेल रहा है। कभी उस कोने में अभी देख रहा है इसको, ये खेल रहा है। पेट भर के भी अभी खाया है दूध रोटी, दूध चावल खाया था, फिर दूध रोटी खाया है। पूरे दिन में कितना बिस्किट भी खा जाता है, और फिर भी सामान सबको ले, लेकिन इसकी आदत है। अभी दूध रोटी इसका बचा ही है। मैं अपने लाडले को अब उठा देती हूँ, बहुत टाइम हो गया, इसे भूख भी लग गई होगी, लेकिन ये गहरे नींद में सोया है कि उठ नहीं रहा है। ओ बेटू लाडला, देखिए कैसे सो रहा है हमारा लाडला। दवा का पन्नी ले लिया और दे नहीं रहा है क्या, मेरा दवा भी खा जाएगा इसको। दे दो, दे दो, भगवान देखे इसकी हालत कैसे कर रहा है। ये तो तहलका मचा के रख दिया है पूरे घर में कल से। जो इसे नीचे में तो एक भी सामान नहीं है, जो इसे मिलता है वो अपने मुंह में लेके भागने लगता है। ये बाबू को अभी फुआ के गोद में है। ओ लाडला, हेलो लाडला, हेलो हेलो, सबको बोलो हेलो। अब इसका जागने का टाइम हो, पूरा दिन तो खूब सोया, और अभी से ये जगेगा, फिर थोड़ी देर में सो जाएगा, और रात भर फिर रात भर बोलते हैं मम्मा अब तुम सो नहीं, और दादी माँ को भी बोलो सोने नहीं थोड़ा देर, तुम रखो थोड़ा देर, मेरी दादी माँ रखेगी, और मुझे घुमाओ, खेलो मेरे साथ। क्या लाडला, खेलो आपके साथ रात को, हंसी लगेगी आपको। हंसी नहीं लगती, हंसी लग रही है। रात को मम्मा को जगाते हैं, देखिए कौन सा मिल रहे हैं आपसे। अभी से नींद भी आ रही है, और जब ये ऐसे सोएगा नहीं, इसे गोद में लेके थोड़ा सा घूमेंगे तब ये सोएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से इसका यही आदत है। ये तो सो रहा है, क्या सोना, तुम भी सो रहा है। इसको बहुत नींद आ गई, अब ये सोएगा थोड़ी देर, क्योंकि मसाज होने के बाद सब बच्चे सो जाते हैं, लगभग बच्चे मसाज के बाद मैं देखती हूँ कि वो सो जाता है, क्योंकि पूरे दिन जो पैर चलाता है ना वो दर्द इसका कम हो जाता है, तो नींद बहुत अच्छा आती है, क्योंकि ऐसे लेटे लेटे बॉडी पेन करने लगता है, इस लोग का मसाज के बाद बहुत रिलैक्स फील करता है, और फिर नींद से सो जाता है, जैसे कि मेरा लाडला एकदम पोज दे करके सो रहा है। आप लोग आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई नया तो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में बाबू और हम अपने प्यारे से डॉगी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।